मोदी जी की जो अमेरिका की यात्रा हुई है, इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी बदलाव आएगा और देश की राजनीति में बदलाव आएगा। आप देखना 6 महीने में आप। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। किस तरह का बदलाव आएगा? अरे जिनके दम पे कूद रहे थे, ये कह रहे थे हमारा विदेशों में डंका बाज रहा है, विदेशों में जो इनकी जो वो मूसला जड़ थी ना, वो कट गई। वहाँ पे जो बाइडेन और कमला हैरिस ने इनकी इतनी बेइज्जती की है, इतना जलील किया इन लोगों को, इन्होंने लोकतंत्र तक की दुहाई दी है उन्होंने। लेकिन जेपी नड्डा तो स्वागत कर रहे हैं जो। अरे ये तो एक बात बताओ, किसी मोदी जी का साहसी जिसकी उतर गई लोई उसका करेगा कोई क्या? किसकी लोई? ये तो उतर गए, ये इनके मानवता इंसानियत इन लोगों में बची नहीं है। किसान का ये नहीं, मजदूर के ये नहीं, देश के नागरिकों में ये नहीं। आपने देखा था फैजाबाद में 4-5 साल के बच्चे जो है बिना कुनैन और पैरासीटामोल की गोली नहीं है इनके पास में। आपकी मीडिया कह रही है कि भारत बंद फेल हो गया। मीडिया तो ये गई थी अमेरिका में, इसे अमेरिका भेजो, इस मीडिया को अमेरिका भेजो, वो बताएंगे रास्ता इसको कि मीडिया क्या होती है। अरे हमारी मीडिया होती तो हमारे लिए काम करती। हाँ जी, नाम कब से? अंजना आप कश्यप गई थी, देखा था क्या ड्रामा हुआ है, बोलने नहीं दिया इन्होंने। लगता है सोशल मीडिया पर नजर रखते हो। सोशल मीडिया पर नजर नहीं रख के तो और कहाँ रखे हैं, गुलाम बन जाए इनके। थोड़ी बहुत जागरूकता तो चाहिए भाई हमें। बीजेपी को दोगे ना? वोट हमारा अपना अधिकार है, हम किसको देंगे वो हम जाने। पिछले 10 महीने में खुले नहीं हो अभी तुम। कौन खोलेगा हमें? कोई नहीं खोलेगा। मोदी जी और योगी जी पर ना खुले हम। हम धरती पुत्र हैं, हम किसान हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, ऐसे संघर्ष करते रहेंगे। बीजेपी का विरोध करोगे 4 महीने बाद? क्यों ना करेंगे, करेंगे जब हम सड़क पे बैठा रखे। अरे हमें गुलाम बनाना है, आर्थिक गुलाम बना रहे हैं, इनका विरोध भी ना करें। अरे हमें जो फांसी का फंदा दे रहे हैं, हमें मौत के कगार पर भेज रहे हैं लोग, इनका विरोध भी ना करें। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि आंदोलन का रास्ता छोड़े, किसान बातचीत करें, यहाँ करें। हमारे नेता तैयार हैं। आज अब आप जो 1 घंटे में लाइए परमिशन, जा रहे हैं, हमारे नेता तैयार हैं। तो परमिशन नहीं दे रही सरकार? सरकार वो जो बंद कमरे में मीटिंग होती है लाइव करवा दीजिए आप मीटिंग, पता चल जाएगी। अगर संशोधन हो जाए, बीच का रास्ता निकल जाए, तुम भी घर चले जाओ, ये भी अपने साथ। वो तो सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है ये काम है सरकार का। आप कह रहे हो भारत बंद है, लेकिन गाड़ी तो चल रही है सड़कों पर दिल्ली में यार। भारत बंद है इसका मतलब ये कोई है, हमने भारत बंद कर रखा, हमारे एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सरकार को दिखा रहे हैं अपनी शक्ति। 500 संगठन साथ है आपके, तो हम भारत बंद नहीं कर रहे, हम भारत के देश भक्त हैं, हम भारत बंद नहीं कर रहे, हम इनको शक्ति दिखा रहे हैं। बीजेपी वाले देशभक्त ना? हाँ देशभक्त है, उन्होंने तो देश बेच दिया। आपसे बड़े वाले? नहीं नहीं, देश बेच दिया उन्होंने, तो पता है राष्ट्रभक्त है। सही कह रहे हो आप, राष्ट्रभक्त है, जब तो देश बेच दिया। किराए पे दे रहे हैं? किराए पे दे रहे हैं? अच्छा अच्छा, मतलब किराए पे देना जो बेचना नहीं होता। किराए पे कोई चीज है कि काम करो आप, अपना मकान किराए पे दे दो और फिर 2 साल बाद में ले लेना उसे। ये जो दे रहे हैं ना, ये राष्ट्रहित के लिए। अच्छा वो राष्ट्रहित है, मतलब उनका देश को बेच रहे हैं वो भी राष्ट्रहित है। अरे यही तो हमारा जो दुर्भाग्य है। फायदा होगा आपको, आप जैसे लोग समझदार लोग, आप मीडिया के लोग हो, आप भी ये कह रहे हो कि वे देश बेच नहीं रहे, वो देश हल निकलेगा या ऐसे बैठ रहे हो? हल तो निकलेगा, हल चला रखा तो निकलेगा। आपको डर लग रहा है? 10 साल भी चल सके आंदोलन? ये 70 साल चलेगा वो भी चलाएंगे, 70 साल भी चलेगा वो भी चलाएंगे। 70 साल कह रहे हैं ना वो, कि हम 70 साल रहेंगे तो 70 साल तक ही चलाते रहेंगे। कैसे खर्चा पानी कैसे करें, कब तक ऐसे? अरे भाई एक बात बताओ, किसान सब कुछ पैदा करता, किसान तो पैदा कर रहा सब कुछ, चीनी वो पैदा करता, अनाज वो पैदा करता, गेहूँ वो पैदा करता, चावल वो पैदा करता, दाल वो पैदा करता, सब कुछ सौदा था हमारे घर का, ऐसे चलेगा जैसे चल रहा। तेल तो महंगा हो रहा है? तेल तो इनके जो एक बात बताओ, यहाँ ये तीनों कानून जो वही तो देखो, तीनों कानून जो ये आए हैं ना, उसका असर देखो, 250 रुपये बिकवा दिया तेल इन्होंने, उन तीनों कानूनों का ही वो है फर्क। असर क्यों कम हो रहा है? किसान मनोबल टूट रहा है? मनोबल टूट रहा देखो, अरे हम सड़क पे बैठे हैं, आप कह रहे हमारा मनोबल टूट रहा, आप तोड़ रहे हो हमें, तो हमारे साथ हमारे जो कमजोर बात करके आप हमें तोड़ रहे हो, हम तो संघर्ष कर रहे हैं बैठे तो हैं। तो हम भी तो संघर्ष कर रहे हैं 10 महीने। हाँ आप भी संघर्ष करो, आप भी जो धन्यवाद है आपका भी, आपका भी धन्यवाद। नहीं मैं ये कह रहा हूँ रास्ता निकलेगा ऐसी अटका रहे? रास्ता निकलेगा भैया 6 महीने में और 2021 में ही आप देखोगे, 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, आप रास्ता अभी निकलना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सब्र के दो अंकल जी आप भी। जब ये चुनाव की बात समझते हैं और बात समझते ही नहीं है, बंगाल में वोट आगे फिर भी ना समझे वो, तो वोट की बात समझो, उत्तर प्रदेश से समझ जाएंगे, उत्तर प्रदेश लास्ट है, लास्ट है ये लास्ट। अन्ना समझे यहाँ से भी?
अरे ऐसा कोई हो सकता है कि ना समझे सरकार, ये वोट दिए सरकार को, वोट की ये वोट की भाषा समझते हैं सर। कितनी सीट आ जाएंगी बीजेपी? ज्यादा से ज्यादा यदि ईमानदारी से चुनाव हो तो 60-65 सीट। बेईमानी का भी डर है? बेईमानी है, ये तो बेईमानी करते हैं। देखा नहीं जिला पंचायत अध्यक्ष में क्या किया था, पिरमुखी में क्या किया था? ये तो सारी सरकारें करें जो भी होती है सत्ता में, पावर सब नहीं करते ऐसा, ये बेकार की बात। ये नहीं, अब से पहले ऐसा नहीं हुआ, अगले सरकार थोड़ा बहुत कर लेते होंगे पर इस तरह का नहीं हुआ। ये तो डंडे का चुनाव हो, जिसके लठ में जान उसका ही हो जाए। लखीमपुर खीरी में देखा था माता बहनों किस तरीके से नंगा किया गया, ये द्रौपदी चीर हरण कर रहे हैं माताओं का। योगी जी सब में घूम रहे हैं अभी, यहाँ भी आए दादरी गाजी घूमने के। देखो योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनका सम्मान है, घूमो। घूमने से कोई वोट कोई मिलती है? नरेंद्र जी कह रहे हैं कि हम पे दबाव बनना हरियाणा पंजाब से, कि आप क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं इन लोगों का। नरेश टिकैत जी ठीक कह रहे होंगे, विरोध तो हो रहा है, विरोध सड़क पर किसान बैठा तो। हरियाणा में खट्टर का हेलीकॉप्टर ने उतरने देते, आपके यहाँ आसानी से घूम के चले जाएं। जब ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी तो यहाँ भी ऐसा ही हो जाएगा। अभी परिस्थितियाँ ऐसी बन नहीं रही, बनेंगी, देख नहीं रहे हो आप। कम क्यों रह गए आज किसान? कम है? अरे किसान जब लंबा आंदोलन, आप ही कह रहे हो 10 महीने आंदोलन हो गए, जब इतने लंबे आंदोलन चलते हैं तो इसी तरीके से चलते हैं। आप एक काम करो, मोदी जी आज जो घोषणा कर दें कि 7 दिन में हम आंदोलन खत्म कर देंगे, आप अभी 2 घंटे में देख लेना कितनी भीड़ आ जाएगी। हाँ किसान तो तैयार बैठा है, और उत्तर प्रदेश का तैयार बैठा है। हाँ और कहीं के आने जब था ऊपर से आर पार के मुंड में, वो तो देखो सरकार है, हम पे आर पार, हम पे तो झंडा है, हम पे और कुछ बंदूक गोली तो हम पे कुछ है नहीं। डंडा भी है? ना 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 ना, ये डंडा नहीं है, ये डंडा नहीं है, डंडा नहीं कहते बिना डंडे के झंडा को खोलेगा। नहीं नहीं, ये डंडा नहीं है, ये तो सांकेतिक हमारा झंडा। डंडा 26 तारीख को काम कर रहा था? 26 तारीख को तो काम करेगा ही। देखो जी हम सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं, और वो भी गांधीवादी नीतियों पर कर रहे हैं, गांधी के सिद्धांतों पर कर रहे हैं। भगत सिंह, गांधी, चंद्रशेखर आजाद, उनके हम अनुयायी हैं। निकलेगा कैसे रास्ता? रास्ता निकल जाएगा, बातचीत करने को तैयार। ये रास्ता ही तो निकल रहा है, जो अमरीका से जो 5 दिन की यात्रा पे गए थे 3 दिन में वापिस हो गई, ये जो हली निकल रहा, जो इनकी मूसला जड़ थी ना वो कट गई। तो कमला हैरिस ने ये कही है इन्हों से कि लोकतंत्र का ध्यान रखो। तो कमला हैरिस थोड़ा तुम्हारे कानून वापस करे, कानून तो मोदी जी। अरे उन्हीं पे तो, ये तो एक बात बताओ, ये जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशी कंपनियां ना, ये विदेशी कंपनियों के हाथ में देश का विकास होता है, नौकरियां मिलती है, पूरी दुनिया परेशान है कि हमारे देश में कंपनियां है। हमारा इनसे विकास नहीं होगा, ये 135 करोड़ देशों की जनसंख्या का देश है, यहाँ पे कोई विकास नहीं होगा, यहाँ का नागरिक यहाँ का विकास करेगा। तो तरक्की के विरोधी, विरोधी नहीं चाहते कंपनी लगे देश? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं चाहते, यहाँ तो कंपनियां हैं। ये राफेल के नाम पे ना HAL जो खत्म कर दिया सारा देश, इन्होंने बेच दिया, BSNL खत्म कर दिया, एयरपोर्ट दुनिया भर के जो हवाई जहाज इन्होंने बेच दिया, रेल बेच दी इन्होंने, मोदी जी गलत, बुलेट ट्रेन ला रहे थे रेल भी बेच दी इन्होंने, बुलेट ट्रेन के नाम पर रेल ला बेच दी। ये कोई विकास कोई, ये कौन सा विकास है? कोई विकास नहीं है, ये विकास कोई है? घूम रहे कि हमारे यहाँ आइए। अरे अरे एक बात बताओ, 5 साल में कितनी विजिट हुई? रोज जावे मोदी जी, अब जो 2019 के बाद में गए हैं कहीं बाद गए हैं, बांग्लादेश में गए हैं, बांग्लादेश में देखा होगा आपने इनकी क्या हालत हुई थी हैं। और अब आप देख, मैं तुमसे फिर बता रहा हूँ, 5 दिन की यात्रा पर गई थे, 72 घंटे में वापिस हो गए देश। और आपने उनकी मेहनत नहीं देखी, हेलीकॉप्टर में भी फाइलों पे, हमें उनका मेहनत का पता, उनका हवाई जहाज का खर्चा का पता है, 1,25,00,000 का खर्चा होता है 1 घंटे में, इस बात का भी तो सारी बात कहो। किसान भोले होते हैं? किसान भोले क्यों होंगे भाई? किसान भोले कोई पागल समझ रखे हैं तुमने? किसान पागल नहीं है, किसान सब कुछ जानता है, जब तो सड़क पर बैठा संघर्ष कर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।